योग संपदा जरीपटका योग वर्ग समूह जयंती निमित्त डायबिटीज निवारण योग शिबिर दयानंद पार्क जरीपटका येथे आयोजित केले गेले होते। यात नागरिकांनी उपस्थित राहून मोठ्या प्रमाणात फ्री शुगर टेस्टचा लाभ घेतला। यावेळी प्रामुख्याने डॉक्टर मधुमेह विशेषज्ञ विश्वविख्यात व्याख्यानकर्ता डॉक्टर सुनील गुप्ता उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांनी डायबिटीज निवारण कसे करता येणार याविषयी मार्गदर्शन केले। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, मेरे राइट साइड में है डॉक्टर कविता गुप्ता, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में है टेकचंदानी जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, और डॉक्टर विंकी रोगवानी एंड बाकी पूरी टीम, डॉक्टर केवल रामानी, सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है पूरे देश में और पूरे संसार में 14 नवम्बर को, और इस बार हमारे पास दिवाली आ गई 12 नवंबर की, तो 14 नवंबर का इस प्रोग्राम को अभी नए सिरे से पूरे देश में और पूरे विश्व में विश्व मधुमेह महीना करके मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डायबिटीज़ मंथ। तो नवंबर महीने में अलग अलग कोने में पूरे संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जागरूकता प्रोग्राम हो रहा है। और दयानंद पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग पिछले कई सालों से आते हैं और हर साल लोगों से बात करते हैं। तो डायबिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट का एक यदि टेबल एक इमेजिन करें तो हमारे टेबल में 4 पहले पहिए होते हैं। एक पहिया होता है आहार, दूसरा होता है व्यायाम, तीसरा होता है शुगर की चेकअप करना या बाकी चीज़ों ऑर्गन्स का चेकअप करना जिसको हम लोग मॉनिटरिंग बोलते हैं, और चौथा पहिया होता है वो होता है दवाइयों का, चाहे वो गोलियाँ हो या इंसुलिन हो। पर आप इमेजिन कीजिए कि आपके टेबल के 4 पहिए रेडी हैं, आप आहार भी कर रहे हो, व्यायाम भी कर रहे हो, मॉनिटरिंग भी कर रहे हो, आप दवाइयाँ भी ले रहे हो, परंतु उसके बाद भी टेबल इनकम्प्लीट है क्योंकि टेबल टॉप नहीं है। और टेबल टॉप का अर्थ होता है वो है एजुकेशन। तो विदाउट एजुकेशन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट इज़ इनकम्प्लीट। और आज हमारा ये हेलो डायबिटीज़ प्रोग्राम और इस योगाभ्यासी मंडल जो यहाँ पर दिख रहा है जरीपटका में, इनके साथ मिलकर लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें किसी प्रकार के डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन्हें आगे चल के डायबिटीज़ ना हो, जिन्हें डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और जिनके कॉम्प्लिकेशन हैं उनके कॉम्प्लिकेशन और ना बढ़ें। यह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश आज की तारीख में नंबर 2 पर है, और हमारे यहाँ करीब 10 करोड़ डायबिटिक्स हैं और 13.5-14 करोड़ प्री डायबिटीज़ है। इस तरह से हर 4था एडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे जाके आने वाली है। इससे हम सबको मिलकर जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि आज हम सेकंड कैपिटल हैं विश्व में, हमने थर्ड कैपिटल होना चाहिए, हमने फर्स्ट कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो डायबिटीज़ की हम राजधानी नहीं बनना चाहते। इस संदर्भ और इस मोटो को लेते हुए इस तरह का एजुकेशन प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन पर।